नमस्कार दोस्तों दोस्तों WhatsApp के अंदर एक नया अपडेट निकल के आया है जिसका नाम है View Once, यानी कि आप जैसे ही किसी एक मैसेज को किसी को भेजते हैं वो बंदा सामने वाला आपके मैसेज को एक बार ही देख सकता है। जैसे वो एक बार आपके मैसेज को देखता है वो मैसेज अपने आप उसके सामने से गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में यही समझाने वाला हूँ कैसे आपको ये फीचर्स मिल पाएगा, कैसे आपके WhatsApp में ये फीचर्स आ पाएगा, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। यदि आपको जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं सूर्य प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों WhatsApp के इस नए अपडेट को अपने WhatsApp में लाने के लिए सबसे पहले सिंपल सी बात है, जाना है प्ले स्टोर पे एंड प्ले स्टोर पे अपने WhatsApp मैसेंजर ऐप यानी जो भी आप WhatsApp इस्तेमाल करते हैं उसको कर लीजिए अपडेट। यहाँ पर WhatsApp आपको सर्च कर लेना है, जैसे आप WhatsApp सर्च करेंगे WhatsApp मैसेंजर ये रहा एंड यहाँ पर आपको लिखा होगा अपडेट, यदि अपडेट लिखा हो तो उस पर क्लिक करके अपडेट कर लीजिए एंड नहीं लिखा है तो आप डायरेक्ट, अच्छी बात है, आपका WhatsApp अपडेट है। अपडेट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है या फिर डायरेक्ट अपने WhatsApp को यहाँ पर ओपन करना है। जैसे चलिए मैं एक WhatsApp है, यहाँ पर मेरा WhatsApp मैसेंजर ये मेरा WhatsApp यहाँ पर ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर जिसको आपको मैसेज भेजना है उसको एक बार सेलेक्ट करना है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे WhatsApp के अंदर मुझे मैसेज भेजना है। अब मैसेज भेजने के लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, किसी फ़ोटो को मुझे मैसेज भेज के रूप में भेजना है एंड इस फ़ोटो को हम भेजना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। इस फोटो को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे उस फीचर्स के जरिए जो नया अपडेट आया उसके जरिए भेजना है। तो जैसे आप अब किसी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए आपको एक नया चीज़ नज़र आएगी, एक लिखा हुआ आएगा, यही फीचर है दोस्तों जिसका नाम है व्यू वंस। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे देखिए सेंड फोटो एंड वीडियोज़ दैट कैन ओनली बी व्यूड वंस, यानी कि आप जैसे ही इस तरीके से फोटो या वीडियो भेजते हैं तो सामने वाला आपके फ़ोटो या वीडियो को केवल एक बार देखेगा और जैसे ही देखेगा वो फोटो या वीडियो अपने आप उसके चैट बॉक्स से हट जाएगी। देखिए फॉर मोर प्राइवेसी योर फोटो और वीडियो विल डिसअपेयर फ्रॉम द चैट आफ्टर द रिसिपिएंट ओपन इट वंस, यानी कि सामने वाले जैसे ही प्राप्त करने वाले ने एक बार जैसे आपकी फ़ोटो वीडियो ओपन किया अपने आप वहाँ से हट जाएगा। रिमेंबर प्लीज़, यहाँ देखिए रिमेंबर लिखा हुआ है, रिमेंबर पीपल कैन ऑलवेज टेक स्क्रीनशॉट, कह रहा है कि ध्यान रखिए आपके उस चीज़ का स्क्रीनशॉट जरूर लिया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो हमको क्या करना है, इस पर ओके पे क्लिक कर देना है एंड व्यू वंस पे इस पर कर दिया क्लिक एंड यहाँ पर हम भेज दिया हमने। अब देखिए इस प्रकार से सामने वाले के पास ये फ़ोटो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास अभी मैसेज आएगा, मैंने जस्ट अपने एक WhatsApp पे भेजा है, इस मोबाइल में दो WhatsApp चलते हैं तो अभी मेरे पास वो मैसेज अभी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा जैसे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस फ़ोटो को इस WhatsApp से भेजा है, इसके अंदर अभी फ़ोटो मेरे पास आ चुका है एंड फ़ोटो इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपके पास देख, मैंने पहले ट्राई मारा था, अब देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो इस प्रकार से आपके पास आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस प्रकार से आएगा, ठीक। तो आपको ऐसे आना है एंड इसको जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ये फ़ोटो एक बार ही केवल ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार केवल ओपन होता है एंड यहाँ पर देखिए हम इसके ऊपर क्लिक भी करते हैं, लिखा हुआ है कि दिस फोटो इज सेट टू व्यू वंस फॉर मोर प्राइवेसी, इस पर ओके पर क्लिक कीजिए। और ये फोटो जैसे यहाँ से मैं ऐसे करूँगा हटाऊँगा और ये फोटो वापस मैं नहीं देख पाऊँगा, देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ अब ये फोटो मैं वापस नहीं देख सकता हूँ। तो इसका सबसे खास फायदा यह है कि आप किसी भी को भी एक बार भेजेंगे तो सामने वाला केवल एक बार ही फोटो को देख सकता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है तो कोई अलग बात है लेकिन उस फोटो को केवल एक बार ही देख सकता, देखिए मैं इसको वापस नहीं देख सकता हूँ। तो आप भी जाइए अपने WhatsApp में इस फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए एंड अपडेट कीजिए एंड आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। एंड वापस आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक फ़ोटो में भेज कर जैसे आपको सेलेक्ट करना है किसी एक फ़ोटो को, इस फ़ोटो को मैंने सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किया, ध्यान रखिए इसके ऊपर क्लिक करना है व्यू वंस पे, देखिए इस एक्टिव किया एंड इसको भेज दिया, जैसे मैंने इसको भेजा एंड यहाँ पे जा रहा है, ठीक। देखिए ये फ़ोटो जा चुका है ऊपर, देखिए मेरे पास आ गया नोटिफिकेशन, एक ही डिवाइस में दोनों WhatsApp है, मैंने क्लिक किया ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, इसको यहाँ डाउनलोड किया मैंने, ओके पे क्लिक किया ये फ़ोटो एक बार आ गया। अब देखिए इस फ़ोटो को अब एक बार ही देख सकते हैं, जैसे मैं हटाया एक बार देख लिया मैंने, हटाया अब नहीं देख सकता हूँ, ठीक। तो ये फीचर्स काफ़ी अच्छा है, आप भी जाइए अपने WhatsApp को अपडेट कीजिए एंड इस फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके WhatsApp में फीचर्स आया है या फिर नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके लाइव करके दिखा दिया है कि व्यू वंस जो फीचर्स है ये कैसे आपको मिलेगा एंड आपको अपने WhatsApp को अपडेट करने के बाद ये फीचर्स मिल जाता है एंड कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आपको क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है एंड कैसे इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की
नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको व्हाट्सएप से इस फीचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।